हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, फ्री इंडक्शन डीके। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन लोगों ने जो पीछे जो टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे पेट और पेट सीटी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद अपन लोगों ने एमआरआई स्टार्ट किया है। तो एमआरआई के अंदर अपन लोगों ने एमआरआई का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद एमआरआई के जो कुछ फीचर्स थे उसके बारे में पढ़ लिया, और आज अपन लोग पढ़ेंगे फ्री इंडक्शन डीके। तो फ्री इंडक्शन डीके पढ़ने से पहले अब जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट वीडियो के अंदर दें। और हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। तो अपन लोग पढ़ रहे थे एमआरआई। तो एमआरआई के अंदर आज अपन लोग पढ़ेंगे फ्री इंडक्शन डीके। तो फ्री इंडक्शन डीके के बारे में स्टार्ट करते हैं। फ्री इंडक्शन डीके यानी आपने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन्स पर अप्लाई किया था, वह अब जिसकी वजह से वो लोअर स्टेज से हाई स्टेज के अंदर चला गया था। अब जैसे ही आपने आरएफ पल्स अप्लाई की थी 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री आरएफ पल्स अप्लाई किए थे, अब वो रिमूव करते हैं, तो उस दौरान क्या होती है, पेशेंट के चारों ओर एक आरएफ कोयल लगी होती है। आरएफ कोयल लगी होती है और इस आरएफ कोयल की वजह से जब 180 डिग्री और 90 डिग्री आरएफ पल्स को अपन लोग रिमूव करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एक मिली वोल्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक मिली वोल्ट। और इस मिली वोल्ट को आरएफ कोयल द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, और इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, इस मिली वोल्टेज को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्री इंडक्शन डीके बोलते हैं। फ्री इंडक्शन डीके बोलते हैं। और इसके बाद 6 नंबर टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं, फ्लिप एंगल। फ्लिप एंगल क्या होता है? जब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर्स एट द स्कैनिंग टाइम के अंदर जितना मोशन करता है, जितना रोटेट करता है, जिस एंगल से रोटेट करता है, वही एंगल क्या कहलाता है, अपना फ्लिप एंगल कहलाता है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वेक्टर जितने एंगल से मूवमेंट करते हैं, जितने एंगल से रोटेट करता है और जितने एंगल से टिल्ट होता है, वही एंगल क्या कहलाता है, अपना फ्लिप एंगल कहलाता है। और इसके एमआरआई के अंदर मोस्टली जो फ्लिप एंगल होते हैं वो 2 यूज किए जाते हैं। कितने होते हैं? 2 फ्लिप एंगल होते हैं, वो 2 होते हैं। कौन से? 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बाद अपन लोग पढ़ते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा
एमआरआई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एमआरआई के एडवांटेज की बात करते हैं तो एमआरआई का एडवांटेज ये है कि एमआरआई के अंदर एक तो सीटी की तुलना में इमेज है वो सॉफ्ट टिश्यू की इमेज है वो क्लियर प्राप्त होती है। सीटी की तुलना में सॉफ्ट टिश्यू की जो इमेज है वो क्लियर प्राप्त होती है एमआरआई के अंदर। एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज है कि इसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है अपने सॉफ्ट टिश्यू की जो इमेज है वो हाई कॉन्ट्रास्ट ओब्लिक रेजोल्यूशंस हाई रेजोल्यूशंस हो गया हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया और क्लियर इमेज क्वालिटी इमेज प्रोवाइड होती है। ये इसका फर्स्ट एडवांटेज। ये एमआरआई है वो नॉन आयोनाइजिंग टेस्ट है नॉन आयोनाइजिंग प्रोसीजर। नॉन आयोनाइजिंग प्रोसीजर है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी पर कोई भी इसके द्वारा कोई भी बायोलॉजिकल रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। कौन से इफेक्ट? रेडियो बायोलॉजिकल। रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलते और उसके अलावा एमआरआई है वो एक कंप्लीट जो इसके अंदर क्या होता है एयर यानी बोन के अंदर एयर और एयर आर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलते। कौन से आर्टिफिकेट? एयर आर्टिफिकेट। एमआरआई के अंदर जो बोन है उसके अंदर किसी प्रकार का आर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलेगा और उसके अलावा अपन लोगों को इमेज भी क्लियर प्राप्त होगी हाई रिजोल्यूशन के साथ इमेज प्राप्त होगी और इसके अंदर सीटी की तुलना में सीटी के द्वारा अपन लोग इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जबकि सीटी के अंदर क्या होता है इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जबकि एमआरआई के अंदर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जबकि एमआरआई के अंदर क्या होता है एमआरआई के अंदर अपन लोग जो इमेज है वो अलग अलग एंगल से जैसे कोरोनल एंगल हो गया सेजाइटल हो गया और ओब्लिक हो गया ये सारी इमेज एमआरआई के अंदर तो अपन लोगों को कंप्यूटर की सहायता से रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है जबकि एमआरआई सीटी के अंदर तो अपन को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और एमआरआई के अंदर अपन लोग इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए एमआरआई के डिसएडवांटेज तो एमआरआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इसका जो सेटअप है जो अपन लोग इसका सेटअप लगाते हैं तो वो हाई कॉस्टली पड़ता है अपन लोगों के लिए।
सेटअप है वो हाई कॉस्टली पड़ता है। और उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टिफिकेट भी देखने को मिलते हैं, जो मोशन आर्टिफिकेट भी देखने को मिलते हैं। मोशन आर्टिफिकेट भी देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज है कि जो इसके अंदर बोन की इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती। बोन या को डेंस पार्ट है। की इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती। और उसके अलावा इसके अंदर जो इमेज है वो अपन लोगों को जो इसके अंदर जो इसका सेटअप भी हाई कॉस्टली है। और यह आम पीपल्स के लिए पॉसिबल भी नहीं है इसका सेटअप, नॉर्मल पीपल के लिए। पीपल के लिए जो MRI है वो कॉस्टली होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। और उसके अलावा इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। MRI के अंदर दो एप्लीकेशंस होती है, एक MRA होता है और जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा होता है MRS मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके दो एप्लीकेशन होते हैं। इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो होता है MRA। तो अपन लोग MRA के बारे में पढ़ते हैं। तो MRA के अंदर क्या होता है कि यह एक MRI है उसका ही सबसे ट्रूप होता है। और यह वेस्ट यूज होने वाला एक मोडिलिटी सेटअप है। और उसके अलावा MRA है, यह एक तो MRA है वो जो MRI है अपना MRI उसी का एक छोटा या अपन लोग बोल सकते हैं कि सब सेट प्रोसीजर है। और MRI का ही सब सेट प्रोसीजर है। और जो MRA है MRA एंजियोग्राफी, उसके अंदर हम जो कार्डियक एबनॉर्मलिटी है उसको डायग्नोस करते हैं। कार्डियक एबनॉर्मलिटी कार्डियक एबनॉर्मलिटी को ही डायग्नोस करते हैं। और इसके बेनिफिट की बात करें तो इसका बेनिफिट यह है कि जो इसके द्वारा एक तो ये नॉन आयनाइजिंग टेस्ट होता है। MRI अपने लोगों को पता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक वेव यूज की जाती है, तो इसलिए ये एक नॉन आयनाइजिंग टेस्ट है।
बेनिफिट की बात करें तो कि बेनिफिट हो गए, ये एक नॉन आयोनाइजिंग टेस्ट है, नॉन आयोनाइजिंग और इसके अंदर ये नॉन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी इसके अंदर यूज किया जाता है, नॉन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और उसके अलावा इसके अंदर अपन लोग कैथेटर का यूज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर नॉन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है। कैथेटर नॉट अप्लाई, इसके अंदर कैथेटर अपन लोग यूज नहीं कर सकते। और उसके अलावा यह अपन लोगों को जो कार्डियक एबनॉर्मलिटी है या कोई वेस्कुलर पैथोलॉजी है उसको डायग्नोस करने में अपने को हेल्प करता है। वेस्कुलर जो ऑर्गन्स है या कोई पैथोलॉजी होगी पैथोलॉजी को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा यह जो पैथोलॉजी यानी कि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो रेट, और उसके अलावा इसके अंदर जो ब्लड वेलोसिटी है ब्लड वेलोसिटी को भी अपन लोग इसे डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर अपन लोग ब्लड वॉल्यूम वॉल्यूम को भी डायग्नोस कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन लोग इसके अंदर किसी भी ओरिएंटेशंस के अंदर चाहे थर्ड मूवमेंट हो, थर्ड डायरेक्शन यानी थ्री डायरेक्शन के अंदर अपन लोग इसके अंदर इमेज ले सकते हैं। कितने डायरेक्शन के अंदर? थर्ड डायरेक्शन के। और इसके अंदर कुछ इसकी कुछ फेज होती है, MRA की कुछ फेज होती है, या कुछ स्टेज कह सकते हो। तो इसके अंदर एक फेज होती है कॉन्ट्रास्ट फेज, फर्स्ट फेज होगी इसकी कॉन्ट्रास्ट फेज, और सेकंड फेज इसकी होगी कॉन्ट्रास्ट इनहेंस फेज। और थर्ड इसकी फेज होगी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉन्ट्रास्ट इनहेंस फेज, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस फेज के अंदर क्या होता है कि जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है उसी के सिमिलर होती है। कॉन्ट्रास्ट इन फेज होती है वो
वो जो सिमिलर सिमिलर टू कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के समान होती है और कॉन्ट्रास्ट इनहेंस फेज होती है वो किसके समान होती है कॉन्ट्रास्ट इनहेंस फेज होती है वो एक डेवलप टेक्निक होती है ये एक डेवलप टेक्निक होती है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है और जो वेस्कुलर पैथोलॉजी है या एबनॉर्मलिटी है उसको डायग्नोस करने के लिए या ब्लड फ्लो है किस रेट से फ्लो हो रहा है उस वेस्कुलर जो एबनॉर्मलिटी होगी या फिर वेस्कुलर कोई भी प्रकार की जो ऑर्गन है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो मूवमेंट हो रहा है उसका डायग्नोस इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर किया जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी को पता लगाया जाता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर किस फ्लो रेट के अंदर वेसल्स के अंदर मूव हो रहा है। तो इसके अंदर अपन को ब्लड के बारे में पता चलता है कि ब्लड किस फ्लो रेट से मूव हो रहा है, फ्लो रेट। अंदर मूव हो रहा है और उसके बाद अपन लोग इसमें पढ़ते हैं एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एमआरएस पढ़ते हैं। एमआरएस के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन होता है ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी कंपेयर की जाती है किससे, यानी इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं एक नॉर्मल ब्रेन के अंदर जो कंपोजिशन है उसका जो ग्राफ है वो अपन लोग इसके अंदर प्लॉट करते हैं एमआरएस के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है ब्रेन के अंदर ये ब्रेन की जाती है एमआरएस। ब्रेन की जाती है तो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं कि जितने एक बार अपन लोग नॉर्मल ग्राफ लेते हैं, मान लो कि ये अपना कोई ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर इस प्रकार मान लो कि ये कोई कंपोजिशन है, अपने पास ये नॉर्मल ग्राफ प्राप्त हो गया, ये अपने पास है नॉर्मल ग्राफ और इसी के अकॉर्डिंग्स अपन मान लेते हैं कि अपने पास जब अपन लोगों ने एक ही पेशेंट का एमआरएस किया तो उस दौरान अपन लोगों को नॉर्मल ग्राफ है उसकी कंपेयर करनी होती है, नॉर्मल ग्राफ के साथ उसकी केमिकल कंपोजिशंस की कंपेयर की जाती है कि अपने पास इस टाइप का कोई ग्राफ प्राप्त हुआ है, तो इसके साथ कंपेयर की जाती है और पता लगाया जाता है एमआरएस के अंदर पता लगाया जाता है कि इस ग्राफ के अंदर एक्स्ट्रा कौन सा ऑर्गन्स या एक्स्ट्रा कौन सा कंपोजिशंस है, यानी इसमें किस प्रकार का टिश्यू है, एबनॉर्मलिटी के कारण इसके अंदर एक ट्यूमर भी होती है ना तो भी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रकार की ट्यूमर है, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशंस है उसको पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से, मतलब ब्रेन के अंदर जो कंपोजिशंस है, मान लो कि केमिकल कंपोजिशंस बात करें अपन लोग केमिकल कंपोजिशंस की, तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जैसे इसके अंदर एमिनो एसिड भी होता है, एमिनो होता है और उसके अलावा एलानिन होता है,
उसके अलावा इसके अंदर लैक्टेज होता है, लैक्टेट होता है। और उसके अलावा इसके अंदर लाइपेज होता है, सॉरी लिपिड, लिपिड होते हैं। इस प्रकार अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। और उसके अलावा मायोआइनोसाइट, मायोआइनोसाइट, तो इस प्रकार अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, इन ग्राफ के अंदर प्लॉट किया जाता है। और उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, इस जो नॉर्मल अपने पास, ये मान लो कि ये अपने पास एक नॉर्मल ग्राफ है, एक जो हेल्थी है, हेल्थी पर्सन है उसका ग्राफ है, और ये एबनॉर्मल पर्सन है। उसका ग्राफ है, तो इन दोनों के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इसके अंदर अपन को, अपन लोगों को जो टिश्यू अलग प्राप्त होता है और उसको अलग कर लिया जाता है कि इसके अंदर इस प्रकार, यानी कि इसके अंदर एक ट्यूमर है, तो उसका पता लगा लिया जाता है कि इसके अंदर जो ये ग्राफ है वो इसके सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो टिश्यू है वो चेंज मिलेगी। उसी के अकॉर्डिंग्स अपन लोग इनके कंपेयर करके एमआरएस कर लेते हैं, और एमआरएस के अंदर अपन लोग ट्यूमर्स का पता लगा सकते हैं, कोई प्रकार की सिस्ट हो, पैथोलॉजी हो, एबनॉर्मलिटीज हो, या फिर एनी अदर्स कोई डिजीज हो, तो उसका अपन लोग पता लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ अपना एमआरआई टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के थ्रू सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। और अगले जो लेक्चर्स के अंदर अपन लोग फ्लोरोस्कोपी पढ़ेंगे, अगले लेक्चर्स के अंदर अपन लोग फ्लोरोस्कोपी पढ़ेंगे, और फ्लोरोस्कोपी के अंदर अपन लोग सारे टॉपिक्स जो वन बाय वन करके फ्लोरोस्कोपी को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नोट्स के लिए कह रहे हैं तो उनके लिए जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, और नए स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देखें, और जो नए आए हैं और उनके लिए जो पीछे की जो वीडियो है वो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, तो उसे आप लोग वीडियो जो न्यू वीडियो जो फर्स्ट जो एपिसोड था एमआरआई का वो, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड है, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।